नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। प्रदेश भर में आज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश संविदा ठेका कर्मचारी संघ इंटक के बैनर तले रोशनी घर परिसर में प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान सभी नियमित संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। इसी मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले किसी से सलाह नहीं ली गई, जिसमें संविधान की 7वीं अनुसूचित संवर्ती जिसके तहत बिजली के मामले में जितना अधिकार केंद्र सरकार को है उतना ही राज्य सरकार को भी है, परंतु राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली गई, न ही सबके बड़े स्टेक होल्डर विद्युत उपभोक्ता कर्मचारियों से सलाह ली गई। आनंद फानन में विद्युत सेक्टर का निजीकरण करने के लिए यह मसौदा तैयार कर विद्युत संशोधन बिल 2022 लाया जा रहा है, जिसका सीधे तौर पर विरोध किया जाता है क्योंकि इसके जरिए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, साथ ही किसान सहित आम उपभोक्ता पर भी इसका बुरा असर होगा। ऐसे में यदि सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो आंदोलन को और विशाल किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। आज संसद में विद्युत सुधार 2022 का बिल पेश किया जा रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब किसान आंदोलन था तो ये लिख के दिया था कि जब भी हम विद्युत सुधार बिल 2022 संसद में पेश करेंगे उसमें राज्यों से बात करके, किसानों से बात करके, अधिकारी कर्मचारियों से बात करके जो पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनसे बहस करके, उनसे बातचीत करके ही पेश करेंगे। किंतु अत्यंत खेद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया और आज संसद में एक तरफा विद्युत सुधार बिल 2022 पेश किया जा रहा है। इससे सबसे बड़ी जो मार है वो आम उपभोक्ता पे पड़ेगी। आज जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और उनके लिए प्रतिमाह कम से कम 10 से 15 हज़ार बिल प्रतिमाह शुरू हो जाएगा। यदि एक किसान के पास 5 हॉर्स पावर की मोटर है और वो 6 घंटे भी चलाता है तो उसका जो बिल है वो 10 से 12 हज़ार आएगा, उसको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये सब अत्यंत खेदजनक है। हमारे जो पावर के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों के बारे में भी कोई उन्होंने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आज निजीकरण का विरोध हो रहा है। तो इस चीज़ अगर देखा जाए तो आज सभी कर्मचारियों को किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है, क्या इसका मुख्य कारण माना? हमारे कर्मचारियों का कोई निश्चित नहीं है। जैसे आज हमारे संविदा कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ही, उनका कोई संविलियन की बात नहीं है। और एक तरफा यदि ये कंपनियाँ दूसरी आ जाएंगी तो निश्चित रूप से इन पर प्रभाव पड़ेगा। आज वैसे ही जब ये सरकार के अधीन है कंपनियाँ, तब तो इनको समय से ना वेतन मिल रहा है, ना बोनस मिल रही है, ना समय से डीए दिया जा रहा है, ना पेंशन दी जा रही है। तो यदि निजीकरण हो जाएगा तो इन पर तो और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये होगा, धीरे धीरे ये प्रदर्शन पूरे देश में उग्र होता है।